नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। नईसराय के पास बस पलटी, आधा दर्जन से ज्यादा घायल। घायलों को अशोकनगर हॉस्पिटल लाया गया। नईसराय से 7 किलोमीटर दूर बरखेड़ा पर यात्री बस पलट गई। म्याना से बाजितपुर तक बनाई जा रही सीसी रोड का निर्माण कई दिनों से बंद पड़ा है। वहीं रोड को भी आधा दूरा खोद कर छोड़ दिया गया है। एक साल से रोड की यही हालत है। इसके साथ ही कोई प्रशासन या जिम्मेदार अधिकारी इसको ध्यान नहीं दे पा रहा। यही नहीं, करीब एक दर्जन पुलियों को खोदकर यूं ही छोड़ दिया गया, जिसके चलते आए दिन हो रहे हैं हादसे। आज यात्री बस भी इसी कारण पलट गई। हालांकि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन शायद प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। मुस्लिम समाज के विवाह सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें कई जोड़े एक सूत्र में बंधे। मुख्यमंत्री निकाह योजना के अंतर्गत कराई गई मुस्लिम जमात की इज्तिमाई शादियां। इसका आयोजन जामा मस्जिद के पास ईदगाह ग्राउंड में किया गया। इस आयोजन में 36 जोड़ों की शादियां कराई गई। आयोजकों के अनुसार यहाँ सभी जोड़ों एवं आने वाले मेहमानों के लिए खाने की व्यवस्था भी की गई थी। अरे भैया, मोटरसाइकिल वाले भाइयों से गुजारे थे, मेरे भाइयों, मेरे नौजवान भाइयों से, भैया ये गाड़ी अपनी एक तरफ लगा लो भाई। आप अजरा देखते ईद का मैदान जी, ये अपने हर साल के मुताबिक इस साल भी ये अपने 11 अप्रैल 2018 को ये हमने इज्तिमाई शादियाँ रखी हैं, और इसमें हमारे कुल 37 जोड़े इसमें शामिल हुए हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि किसी बात की हमने कमी नहीं रखी, और बल्कि हम इसको इस्तेमाल को और आगे ले जाना चाहते हैं। हमारे क्यों ले जाना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि मुस्लिम समाज ही क्यों, हम अन्य समाज को भी इसमें शामिल करना चाहते हैं, क्योंकि देश में अमन आए, सुख आए, शांति आए, खर्ची पे भी रोक लगना चाहिए, क्योंकि फिजूल खर्ची जो है देश को नुकसान ही पहुँचा रही है। एक तो इंसान का भी नुकसान है और हमारे देश का भी नुकसान है, भारत का नुकसान है हमारा। और दूसरी बात क्या है कि हम सब लोग इकट्ठे होकर एक साथ में बैठ के खाना खाते हैं, एक साथ में मिलते हैं लोगों से, और इतना अच्छा लगता है कि वाकई में ऐसा अमन चैन हिंदुस्तान के अंदर हो, ऐसा माहौल बने जिससे लोग इससे सबक हासिल करें। हमने ये रखा था, हमारी कमेटी ने रखा था कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको हम यहाँ पे उनका निकाह पढ़ाएं, उनको खाना खिलाएं, और जो हमसे बने वो उनको हम उनकी सहूलियत दी जा रही है, और दी हमने इनको। सही बात, वो से जोड़ों को जो गरीब थे बेचारे, हमने उनको अपनी तरफ से उनको हमने अपना इंतजाम पूरा कराया हमने। उर्स में देखने को मिला कव्वालियों का मुकाबला। बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे इन मुकाबलों को देखने के लिए। चांसावली दरगाह पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी उर्स का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन में बाहर से बुलाए गए कव्वालियों के द्वारा मुकाबले प्रेषित किए जा रहे हैं। इन्हें देखने के लिए न सिर्फ मुस्लिम समाज बल्कि हर वर्ग का व्यक्ति पहुंच रहा है। उसके दौरान पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद दिखा। मैं बंदा आसी हूँ, खताकार हूँ मौला, मैं बंदा आसी हूँ, खताकार हूँ मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला, और वाबस्ता है उम्मीद मेरी तेरे करम से,
तेरा हूँ फकत तेरा परस्तार हूँ मौला। या खुदा आप नूर वो तेरी हम दो जी नवाब मोहम्मद साहब से दो चाहूंगा शेर से तू नवाज है तू नवाज है मेरे मौला 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 तू नवाज है तो बल जाए किस्मत मेरे सजदों की क्या है हकीकत गुलाबगंज रोड स्थित पुलिया पर आज फिर एक मोटरसाइकिल सवार जा गिरा। कैंट थाने के सामने कलारी के पीछे स्थित इस नाले पर बनी पुलिया में कोई रेलिंग नहीं लगी है, जिसके चलते यहां कई हादसे हो चुके हैं। ऐसा ही एक हादसा आज भी देखने को मिला, जब एक मोटरसाइकिल सवार जा रहा था कि अचानक नाले में जा गिरा। रहवासियों के द्वारा वह मुश्किल मोटरसाइकिल सवार वह मोटरसाइकिल को निकाला गया। वहीं रहवासियों का आरोप है कि यहां पर आए दिन हादसे होते रहते हैं, साथ ही पुलिया की चौड़ाई भी इतनी कम है कि एक साथ दो गाड़ियां नहीं निकल सकती। इसके साथ ही यहां पर कोई रेलिंग भी नहीं है, जिसके चलते कई बार हादसे हो चुके हैं। न जाने कब जागेगा प्रशासन जो इस पुलिया की दुरुस्त करा सकेगा। हेलो सर भैया, अभी एक ऑटो इधर से आ रही थी, ये मोटरसाइकिल वाले ने ओवरटेक करा और जिसमें ये वो नहीं है ना पुलिया में, वो टर्न नहीं है, इसलिए पुलिया में गिर गया। कम से कम आठ बार हो चुका है, 4-5 महीने में ऐसा बार बार होता है। एक लड़का तो बेचारे के दोनों हाथ पैर टूट गए थे। ये पुलिया है अपनी कैंट थाने के सामने कलारी के पीछे गुलाबगंज रोड पे, ये पुलिया आए दिन हादसे होते रहते यहाँ पे। ऐसे ही लड़के के पैर में लग गई है, बहुत ज़्यादा पैर फ्रैक्चर हो चुका है उसको बेचारे का। हाँ, पुलिया बहुत छोटी हो गई है, इसमें दो जने आराम से निकल नहीं सकते, बिल्कुल आराम से। ऐसे दो टैक्सी भेजेंगी तो बिना रगड़े नहीं निकलेंगी ये टैक्सी बिल्कुल। फुटवेयर डिज़ाइन एवं डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के द्वारा आयोजित किया गया शिक्षा सम्मेलन, इस सम्मेलन में बच्चों को शिक्षा संबंधी काउंसलिंग भी की गई, साथ ही कई तरह के आयोजन भी यहां किए गए, जिनमें प्रमुखता से क्विज कंपटीशन था। इस आयोजन के माध्यम से आयोजकों ने बताया कि किस तरह से बच्चों को अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए और साथ ही 12वीं क्लास के बाद क्या संभावना है एवं उन्हें किस तरह से तलाशना चाहिए। किस एहसास है
ये क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया है? फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट गुना के द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें शिक्षा सम्मेलन और बच्चों के क्विज प्रोग्राम कंपटीशन का प्रोग्राम है। आज हम सभी गुना के बच्चों को हम ये बताना चाहते हैं कि कैरियर काउंसलिंग कैसे होती है और उनके मतलब ट्वेल्थ और ट्वेल्थ करने के बाद में और साथ में ग्रेजुएशन करने के बाद में वो किस किस क्षेत्र में प्लेसमेंट ले सकते हैं, सॉरी प्लेस वो किस किस क्षेत्र में पढ़ाई करके अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। हम लोग FDDI फुटवेयर डिज़ाइन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के इंस्टीट्यूट से हैं जो कि पूरे देश में 12 कैंपस हैं जिसमें से गुना एक यहाँ गुना के अंदर एक कैंपस है जिसके अंदर हम फुटवेयर डिज़ाइन डेवलपमेंट के फुटवेयर के कोर्सेज चलाते हैं। यहाँ तीन तरह के कोर्सेज चलाते हैं, एक फुटवेयर डिज़ाइनिंग का कोर्स चलाते हैं, एक रिटेल मैनेजमेंट का कोर्स चलाते हैं, एक फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स चलाते हैं। इसी के साथ हम लोग जो बच्चे मतलब PG के हैं उसमें हम MBA का कोर्स कराते हैं जो कि गुना में पहली संस्था है जो कि MBA का कोर्स करा रही है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने नारी शक्ति को लेकर कई कार्य किए हैं, वहीं महिलाओं को प्रेरणादायक भी रहे हैं। इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी ने सभी मंडलों ने महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई। आज महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती है जो सारे देश में भारतीय जनता पार्टी का जो पिछड़ा वर्ग है वो पूरे देश में इस जयंती को मना रहा है। उसी तारतम्य में आज भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग जिला गुना द्वारा ये पुण्य उनकी जयंती आज यहाँ पर मनाई गई। सभी मंडलों में इसका कार्यक्रम रखा गया। महात्मा फुले ने जो नारी शिक्षा एवं समरसता का पाठ समाज को पढ़ाया आज से 112 वर्ष पहले, उसको जनता के बीच में ले जाना और उनके द्वारा बताए हुए कार्यों को जनता के बीच बताना, नारी शिक्षा को सर्वोच्च स्थान देना, ऐसे महापुरुष की जयंती मना करके और उनके जीवन से समाज प्रेरणा ले, समरसता का संदेश मिले, इसी के लिए ये कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित किया गया। प्रदेश शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक वार्डों में लगाए जा रहे असंगठित श्रमिकों के पंजीयन कैंप जिसके माध्यम से गरीब मजदूरों वर्ग के रजिस्ट्रेशन निःशुल्क किए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में आज पंजीयन कराने हेतु वार्ड क्रमांक 17 नयापुरा में पंजीयन कैंप का आयोजन किया गया जिसके माध्यम से गरीब मजदूरों एवं असंगठित श्रमिकों को प्रदेश शासन के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सके। वार्ड नंबर 17 में मजदूरी कार्ड के फार्म भराए जा रहे हैं और ये गरीब लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद योजना है निश्चित रूप से। और मैंने पूरे वार्ड में प्रचार किया है और अपने वार्ड में 11 और 12 तारीख दो दिन तक ये कैंप लगेगा। तो कमला बस गैरेज पे यहाँ कमला बसें खड़ी होती हैं, नएपुर में वहाँ पर ने कैंप लगवाया। मैंने सभी वार्ड वालों से निवेदन किया है कि वो आएँ और अपना फार्म भरें, ये बहुत अच्छी योजना है गरीब लोगों के लिए। इससे गरीब सरकारी जितनी भी योजना उनका उनको बेनिफिट मिलेगा। रेड क्रॉस भवन में आयोजित किया गया राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में जिन महिला चिकित्सकों ने सुरक्षित सेवाएं दी हैं उन सभी महिला चिकित्सकों का सम्मान भी किया गया। धरनावदा पुलिस द्वारा 24,000 का इनामी डकैत गैंग का हुआ पर्दाफाश। विदित रहे कि 13 फरवरी को डकैती की योजना बना रहे बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करते समय मौके से 6 आरोपी फरार हो गए थे जिन्हें न्यायालय परिसर से बाद में गिरफ्तार किया गया। इन आरोपियों पर डकैती, वाहन चोरी एवं धोखाधड़ी के अन्य मामले दर्ज हैं। इन आरोपियों को पकड़ने में सराहनीय योगदान रहा
धरनावदा थाना प्रभारी नीरज बिरथरे का, साथ ही उनकी टीम का। धरनावदा से हमारे सहयोगी विवेक शर्मा की रिपोर्ट। राजगढ़ के खंड पीपल खेड़ा, खंड बरसात, ग्राम समिति सालोटा में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की समितियों का स्थानीय हनुमान मंदिर पर बैठक का गठन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष श्याम ओझा ने की। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी मध्य भारत प्रांत का बजरंग दल प्रशिक्षण शिविर ब्यावरा में 4 मई से 11 मई तक हो रहा है। इस मौके पर बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। गाँव के लोग जब बैठे हुए आस पास के जितने हैं ना, मेरा जंजाली में ना हजारों बार घायल हो गई होंगी। कहाँ से आ रही है? सालोटा के आ रही है, पीपल खेड़ी से आ रही है। तो क्या इतनी हजारों बीघा जमीन सरकारी पड़ी है? हमारे पास खुद के अपने खेड़े हैं, सब कुछ है, चारा सड़ रहा है तुम्हारे यहाँ। क्या अपन गौ माता के लिए सेवा नहीं कर पा रहे? अरे ठीक है, शहर के लोग हैं हम लोग, हम पे तो वहाँ हमारे खुद के रहने के ठिकाने नहीं शहर के लोगों में। क्या अपन गौ माता को नहीं पाल पा रहे हैं? गरीब लोग गौ माता ने अपन भगा रहे हैं और भाषे पटा भरभर के जा रहे हैं। अपन जिन्हें आप ये बता, पिछले साल जो गौ माता गई है यहाँ सर, एक बार कोई वापसी लेने गया क्या? कहाँ गई वो? कौन ने भेजी है? तुमने अपने भेजी है, जैकेट में दे रहे थे सील लगा लगा के। मेरे पास उनकी फोटो कॉपी है, जिन्होंने सील लगा लगा के लिख लिख के देखी ना मुखियाओं में, उनकी मेरे पास फोटो कॉपी है। क्या आपको मंगाए अपनी गौ माता को? अपने पास हजारों बीघा जमीन पड़ी है, अपने खेतों में इतना अनाज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। आने वाले लगातार खेरुआ आदिवासियों के लिए संघर्ष कर रहे समाज सेवी धर्म स्वरूप भार्गव आखिरकार अपनी लड़ाई में जीत ही गए। खेरुआ समाज के आदिवासियों के नाम पिछड़े वर्ग में कर देने को लेकर कई वर्षों से प्रयासरत हैं धर्म स्वरूप भार्गव। वहीं इस लंबी लड़ाई के बाद प्रशासन और शासन ने माना कि खेरुआ आदिवासियों को पिछड़े वर्ग में होना नहीं चाहिए, जिसके चलते 26 अप्रैल को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सम्मान भी बमोरी में किया जाना है। इसी के बारे में समाज सेवी धर्म स्वरूप भार्गव ने विस्तृत जानकारी दी। जैसा कि आपको विदित है कि विगत 8-10 माह पहले हमने एक आंदोलन शुरू किया था, जिसमें जो गुना जिले में रहने वाले गौड़ आदिवासी हैं, खैर की लकड़ी लाके खैर से कत्था बनाने का काम करते थे, इसलिए लोग उनको खैरुआ कहने लगे। व्यापारी आम बोलचाल की भाषा में लोग उनको खैरुआ नाम से संबोधन करने लगे। इसी नाम के संबोधन के कारण उनकी जाति भी खैरुआ मान ली गई और प्रशासन ने उनके जाति प्रमाण पत्र खैरुआ जाति के बनाना प्रारंभ कर दिए। विगत 10 से 15 वर्ष में लगभग 99% लोगों के जाति प्रमाण पत्र खैरुआ जाति के बन गए। इससे वो ओबीसी में आ गए, क्योंकि खैरुआ जाति ओबीसी में आती है। आदिवासी कोटे से हटने के बाद में आदिवासी जाति होने के कारण उनको जो लाभ मिलने थे उससे वो वंचित हो गए। जब ये मामला उनके ध्यान में आया, उनको भी लगा आदिवासियों को कि हमारी जो सुविधाएं हैं वो हमसे छिनती जा रही हैं, फिर वो इस मामले को लेकर सांसद जी के पास भी गए, शासन प्रशासन के और अन्य लोगों के पास भी गए, अधिकारियों के पास भी गए, लेकिन वहाँ से उनको राहत नहीं मिली। अंत में ये मामला हमारे ध्यान में आया, जब वो वनवासी हमसे मिले, संपर्क में आए, तो हमने भी एक रास्ता आंदोलन का चुना और धरना प्रदर्शन के माध्यम से शासन एवं प्रशासन के मामले में प्रशासन के ध्यान में इस मामले को हम लोग लेकर आए। जब हम मुख्यमंत्री जी से मिले तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सामान्य प्रशासन विभाग के जो मंत्री हैं माननीय लाल सिंह जी आर्य साहब, उनको इस काम के लिए लगाया और इस काम में विगत 6 माह में परिणाम आए। उन्होंने मुख्यमंत्री जी को फाइल भेजी, मंत्रालय से जांच के लिए अधिकारी गुना आए, जांच में सब कुछ साफ हो गया। पूर्वत सभी खैरुआ जिनको कहने लगे थे, सभी खैरुआ सभी गौड़ आदिवासी जो गुना जिले में लगभग 25,000 के लगभग हैं, उनको गौड़ आदिवासी शासन ने मान लिया। अब चूंकि जब शासन ने सभी को गौड़ आदिवासी मान लिया तो इससे हमारे वनवासी बंधुओं में भी खुशी हुई, उनको लगा कि जी एक अच्छा काम शासन ने किया है, तो अपन क्यों ना मुख्यमंत्री जी को बुलाकर उनका स्वागत करें, सम्मान करें। ऐसा भाव जब सबके मन में आया तो हमने उस विचार से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे आग्रह को स्वीकार करके 26 अप्रैल का दिन उस सम्मान समारोह के लिए तय किया।
26 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री जी बमोरी में पधारेंगे। बमोरी स्थान इसलिए चुना है कि वहाँ सभी वनवासियों के लिए केंद्र है, ज़्यादातर गांव बमोरी के आसपास हैं, इसलिए सबको आने में सुविधा रहेगी, वो सब वहाँ एकत्रित हो पाएंगे सुविधा से, इसके लिए बमोरी चुना है। और 26 तारीख को मुख्यमंत्री जी बमोरी आ रहे हैं, 11 बजे से 1 बजे का समय तय हुआ है, उसमें गौड़ आदिवासियों के साथ साथ अन्य ग्रामीण जन भी सहभागी हैं, सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम होने वाला है। आप सबका भी सहयोग रहा है इस आंदोलन में, इसलिए मैं आपके माध्यम से आपसे स्वयं से भी ये अनुरोध करूंगा कि आप भी 26 तारीख को बमोरी पधारें और कार्यक्रम में सहभागिता करें। धन्यवाद। कल देर रात एक भूसा भरा हुआ ट्रक पुलिस पेट्रोल पंप के सामने अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें एक मोटरसाइकिल सवार उसमें दब गया, जिसको कई चोटें आई हैं, जिसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। डीजीएनए न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।